इंडिया में इस बार होते हैं वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाई जान मैंने बोला, मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर भाई। जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा, थोड़ी सी बुरी भी है। ये भी अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जीबीएच ऑन रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के कश्मीर से एक ब्लॉगर पाकिस्तान की सब्जी मंडी में गए, पाकिस्तान की सब्जी मंडी के प्राइजेस जानने के लिए कि भारत में ज्यादा महंगी सब्जी मिलती है या पाकिस्तान में। तो जब वो भारत के बारे में बताने लगे, भारत की थोड़ी सी तारीफ करने लगे, तो पाकिस्तानी भड़क गए। उनका कहना था कि आप भारत का नाम यहाँ पर मत लो, भारत की आप यहाँ पर कुछ भी बात मत करो। वीडियो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज के आपको सेब दिख रहे हैं यहाँ पे। और पाजी अस्सलाम वालेकुम, इनका सबका रेट भी अलग अलग से है। हाँ जी भाई, आपके पास वो जो सामने है उसका रेट क्या है? 800 का 5। 800 के 5। ये किलो कितना? किलो 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 के हिसाब से नहीं देते क्या? 160 रुपए के जी। 160 रुपए किलो। ये रेड वाला ये खराब है, ये तो महंगा होगा, ये तो जबरदस्त दिख रहा है। ये भी गोल्डन एप्पल है जी। ये कितने का है? 200 रुपए किलो। ये उससे भी बढ़िया है। ये कितने का है? ये 200 रुपए किलो। अच्छा, ये सारे 200 रुपए किलो और ये सारे गोल्डन एप्पल है जी। ओके हो गया जी। और वो जो सामने है वो वाला काला कुल्लू, काला कुल्लू ये कितने पे, कितने का है? 300 रुपए। ओके, तो ये भाई साहब 300 का है जी। चलो शुक्रिया पाजी। गफार मुसाफिर, मुसाफिर। हाँ अच्छा, वो जो पैक माल्टे थे उनका रेट मैंने आपको बताया। ये खुले माल्टे हैं और ये पूरी पेटी देते हैं इसमें। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माल्टे कैसे हैं आप? केजी के किलो के हिसाब से देते हैं? पेटी के हिसाब से। तो पेटी कैसे देते हो? ये 1000, 1050, 1100 ये रेट चलता है। कम ये रेट चल रहा है। तो ये जो लोग आगे बेचते हैं वो किलो के हिसाब से बेचते हैं? वो दर्जन के हिसाब से। दर्जन के हिसाब से। दर्जन कैसे है? 300 रुपया, 350 रुपये के दर्जन के हिसाब से। अच्छा, लेकिन ये क्वालिटी आपके पास अच्छी क्वालिटी है ना? अच्छी क्वालिटी वाले हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाजी इधर ना किए, खरबूजा है कितने का किलो है? 200 रुपया किलो। चलो ओके हो गया जी। रेट काट है जो थोड़ा सा पीला हो जाता है वो बिकता है ना? बिक जाता है। ओके, तो इन सब के अलग अलग रेट होंगे? अलग अलग रेट। इसका कितना है? 800 रुपए तरी दिए। ओके, 750 रुपए तरी दिए। ओके, 700। ओके सर, थैंक यू। पेटी किन्ने दी है? पेटी 2000 रुपए दी पेटी ले आंदी है। 2000 दी खरबूजा किन्ना? 10 किलो, 11 किलो, किसे 11.5-12। जिन्ने जो 3-4 किलो हरा भी निकलता, 2 किलो वेखो। ओके, हां जी, हरा भी निकल जाता है। हरा भी 3-4 हरा को आप वो आरती वापस नहीं लेता? वापस नहीं लेता। जो हरा निकलता है फिर उसको क्या करते हो आप? उसको अखबार में रख के ना दूसरे तीसरे दिन फिर बेच देते हैं घट वध रेट करके। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। तो वो था जी छोटे वाला खरबूजा और ये है पपीता। पपीता है पाजी? जी जी। हाँ जी। इसका क्या रेट है पपीता यहाँ पे? 250-200। ये है 250 जनाब और ये है 200। टॉप क्वालिटी में 250 मिलते हैं? हाँ जी। 200 ये वाला है भाई, 200। आप भी अपनी कंट्री में बताते रहिए, अपने शहर में बताते रहिए कि आपकी कंट्री में फ्रूट्स के रेट क्या चल रहे हैं, जरूर बताइएगा। माल्टा मेरे हिसाब से कुछ हद तक सस्ता है। माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज़्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाजी, ठीक हैं आप? आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपये किलो। वो वाला 150 रुपये किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज़्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाजी, ठीक हैं आप? आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपये। 200 रुपये किलो। वो वाला
150 रुपये किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। फिर उसके बाद है ये हमें बनाना भी मिल गया है। बनाना तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन फिर भी भाई से पूछ लेते हैं। 150 रुपये। टॉप क्वालिटी का कितने का होगा वो? 200 रुपये। 200 रुपया दर्जन? बढ़िया बढ़िया जी, टॉप क्वालिटी। ओके, अब दर्जन के हिसाब से बेचते हो किलो के हिसाब से बेचते हो? दर्जन के हिसाब से। ओके, मैं जब छोटा था तब हम दर्जन के हिसाब से लेते थे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से किलो के हिसाब से मिलते हैं। इंडिया में भी? इंडिया में मिलते हैं ना। यार मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, इंडिया में मिलते हैं। आके खुल दिया है लोगों की। पाकिस्तान तो इंडिया की नहीं। आलू भी लेना यार, पाकिस्तान की चीज है। इंडिया का अलग ही तो लग है, पाकिस्तान नहीं है। मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ आपको कुछ। आप कह रहे हैं इंडिया में इस बात मुक्ति है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाई जान, मैंने बोला कि वहाँ पे किलो के हिसाब से देते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देते हैं। जब भी करो अपने मुल्क की बात करो, हम इस मुल्क के पसीने हैं। बाहर की बात, हम पाकिस्तान इसीलिए कामयाब नहीं है, बाहर की बात करते, अपनी बात करते नहीं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ भाजी। मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। जब मौजूद है वहाँ की बात करो। हाँ तो यहाँ का ही बता रहा हूँ भाई जान। चलो यार, उन्होंने तो यही कहा ना कि हाडे उत्ते तुल के वेच देने ते दर्जन दे हिसाब नाल। मैंने यही बताया, वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई। आप सारे गुस्सा हो गए यार। चाकू दे यार। चलो सॉरी, मेरे से कोई गलती हुई है तो। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया, तो ये है भाई हमारे पास अनार। 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। चलो सही हो गया जी, 400 रुपये का किलो है ये अनार। सारी क्वालिटी का 400 रुपये किलो है। हाँ जी। और ये 500 रुपये किलो। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। ये है भाई साहब स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। बाकी सेब का रेट है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखी वहाँ पे, वो लास्ट पे है कीवी। कीवी, कीवी कैसे है? 800 रुपये का एक डिब्बा। ओके, अच्छा ये है जी अंगूर। ऐसी टॉप क्वालिटी का तो मुझे नहीं लग रहा है। डेढ़ तो दे रहे हो। फिर भी लगा ये तो ठीक है। ये कैसे दे रही है? ये कैसे है? ये भाई 800 रुपये किलो। ये 750 रुपये। ये 750, ये 800। ये भाई साहब 750। ओके हो गया जी, थैंक यू सर। और ये रहा 800। ओके, कैसे है भाई? नारियल पीस के हिसाब से देते ना? हाँ जी। कैसे एक पीस देते? 300 रुपये का, एक 400। एक 300 का, एक 400 का। 300 वाला क्या छोटा होता है? 300 छोटा, 400 वाला फुल बड़ा। अच्छा, ये भाई छोटे वाला 300 का और बड़े वाला 400 का। ओके सर, ओके हो गया जी, थैंक यू। ये अनार मैं देख सकता हूँ? देख सकता हूँ। ये अनार की क्वालिटी है जो पहली बार देख ली। नहीं, ये टॉप क्वालिटी। क्या नाम है इसका? इसका बदाना अनार, बी से बगैर होता है। बदाना अनार इसको बोलते हैं। बी से बगैर होता है, बीज के बगैर होता है ये। इसको सुखाया जाता है? कुदरती सूख जाता है। कुदरती सूख जाता है। तो क्या रेट है इसका? इसका 4500 रुपये पेटी का। 4500 रुपये ये पूरी पेटी। इसमें कितने पीस होते हैं? इसे पीस नहीं होते, इसका वजन होता है 7-8 किलो, 7.5 किलो। ओके सर, थैंक यू। मैं आया हूँ इंडिया से, इंडिया कश्मीर से। कश्मीर से? हाँ। बैठो 10 मिनट। हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये फ्रूट्स हैं जो ये यहाँ के नहीं है। ये कहाँ से आता है सर? आपने अफगानिस्तान से बताया ना। अफगानिस्तान से पिशावर में आता है और फिर पिशावर से यहाँ पे आता है। ओके, ये सारे फ्रूट्स मैक्सिमम? ओके, थैंक यू सर। चलो थैंक यू। अच्छा, ये भी बढ़िया है जी। ये भी अफगानिस्तान से? हाँ जी, ये भी उधर गई है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। इसके ऊपर VIP लिखा हुआ है। तो ये है भाई इस साइड केले की मंडी सारी। आप देखेंगे पूरे के पूरे केले यहाँ पे ले जाए जा रहे हैं। ये देखिए भाई काटने की स्कीम, बढ़िया है, बढ़िया है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे कश्मीरी भाई जो पाकिस्तान के अंदर गए
उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, कोई गालियां वगैरह नहीं दी उन्हें। उन्होंने सीधा पूछा कि भाई आपके यहाँ पर ये प्राइजेस है, हमारे यहाँ पर ये प्राइजेस है। इतनी सी ही बात में दोस्तों पाकिस्तान के जो जाहिल व्यक्ति हैं वो भड़क गए, क्योंकि दोस्तों उन्हें भारत की तारीफ सुनी नहीं है। चाय फैक्ट्री की बात कर रहे थे, वो कोई तारीफ वगैरह भी नहीं कर रहे थे, वो सच्चाई बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पर इतने में इतने पैसे में ये सामग्री मिल जाती है, तो हमारे यहाँ पर महंगाई है। दोस्तों पाकिस्तानियों को यही बात बुरी लग गई, और आपने देखा पाकिस्तान की सब्जी मंडियों में कितनी ज्यादा महंगाई भरी हुई है। आम आदमी कैसे मतलब कोई सब्जी कैसे खरीदे कैसे खाए, बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पाकिस्तानियों के कैसे रिएक्शन थे जब कश्मीरी कोई गया पाकिस्तान में, वो भी मतलब जो ब्लॉगर भाई हैं वो भी मुसलमान हैं, उनके खिलाफ भी उनके कैसे रिएक्शन थे। अगर कोई हिंदू जाएगा तो भाई पता नहीं ये कैसे रिएक्शन देंगे और कितनी मतलब उल्टा सीधा बकेंगे, आप सोच ही सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।